आज हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कंसेप्ट ऑफ मार्केट देखने वाले हैं। नाउ इफ यू चेक आउट, जो मार्केट का जो कंसेप्ट है मार्केटिंग में थोड़ा अलग है, इकोनॉमिक्स में अलग है, तो हम समझते हैं क्या है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, मार्केटिंग एक जगह या लोकेलिटी जहाँ पे गुड्स का खरीदी बिक्री होता है, ठीक है, एक जगह। लेकिन इकोनॉमिक्स में जगह नहीं रहा तो भी हम मार्केट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ तुम मुंबई से अहमदाबाद में ऑनलाइन कुछ मंगाया जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, सो दिस नेटवर्क ऑफ डीलिंग कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज मार्केट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मार्केट में एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर आमने सामने नहीं आए, लेकिन एक बोलते ना एक्सचेंज हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, तो दोनों की जगह को कैन बी कॉल्ड एज अ मार्केट। सो इकोनॉमिक्स में मार्केट का जो डेफिनेशन है थोड़ा बड़ा कर दिया हुआ है, ठीक है। बट ज्यादातर लोगों का मानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक मार्केट प्लेस जहाँ पे खरीदी बिक्री होता है, ठीक है। सो वो एक जगह ही नहीं है लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट है बिटवीन हुम टू पार्टीज, वन इज द सेलर एंड वन इज द बायर, जहाँ पे प्राइस दोनों मिलकर तय करते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड, मार्केट एक नेटवर्क ऑफ डीलिंग है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज, टू पार्टीज, जो आजू बाजू या एक लोकेलिटी या एक एरिया में नहीं रहे तो भी चलता है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज मार्केट? बायर और सेलर तो जरूरत है, क्योंकि तुम खुद के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, एक प्रोडक्ट है। नंबर थ्री, प्रोडक्ट का दाम है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स को मार्केटिंग के डेफिनेशन से अलग करता है, देर इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट नीड नॉट बी वन प्लेस, इट कैन बी डिस्टिंक्ट प्लेसेस। सो इफ मुंबई पुणे है, मैं बायर और सेलर है, सो मुंबई पुणे कैन बी वन मार्केट, ठीक है। और अल्टीमेटली नॉलेज अबाउट मार्केट की जरूरत है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो तुम्हारा ये कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जो नेसेसरली यू कैन पुट टू थिंग्स, एक बायर और सेलर, दूसरा नीड नॉट बी अ प्लेस बट इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मार्केट का, इकोनॉमिक्स का, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द डेफिनेशन गिवन इन द मार्केटिंग सब्जेक्ट?